और रूसी सेना की अपने जवानों पर बड़ी कार्रवाई। युद्ध में शामिल नहीं होने पर 115 जवानों को किया बर्खास्त। यूक्रेन के खिलाफ सभी 115 जवानों ने लाने से किया था इनकार। रूस यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से जंग जारी है। इस दौरान यूक्रेन से युद्ध में रूस ने अपने कई बड़े सैन्य अफसरों को गंवाया है और रशियन आर्मी के कई जवान यूक्रेन में युद्धबंदी हैं। लेकिन जंग में रूसी सेना के कई ऐसे जवान भी रहे जिसने यूक्रेन के साथ जंग लड़ने पर इनकार कर दिया था। अब उन्हीं जवानों पर रूसी सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। रूस की एक सैन्य अदालत ने रशियन गार्ड के 115 जवानों की बर्खास्तगी की पुष्टि की है। ये सभी 115 जवानों ने युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया था। पहले जवानों पर लगे आरोपों की जांच की गई, फिर रशियन गार्ड के अफसरों से पूछताछ की गई और जो सबूत मिले उसके आधार पर 115 जवानों को बर्खास्त कर दिया गया। इस बीच अमेरिका के एक सीनियर सैन्य अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी रक्षा अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन में रूस की सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। 1000 से अधिक रूसी टैंक, 350 से अधिक तोपखाने तहस नहस हो गए। 36 से अधिक फाइटर जेट और 50 से अधिक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।